हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लासिक लीजेंड्स के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बराबर में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपने जावा कंपनी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये कंपनी 1929 में स्टार्ट हुई थी। इसने अपने लगभग 50+ मॉडल मार्केट में लॉन्च किए जिसमें मोपेड भी शामिल है। अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी 1996 में बंद हो गई। फिर कंपनी ने 22 साल बाद बुलेट को टक्कर देने के लिए अपने 3 मॉडल लॉन्च किए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। नंबर 1 जावा क्लासिक, नंबर 2 जावा 42, नंबर 3 जावा प्राग। ये बाइक्स बुलेट को तो टक्कर नहीं दे पाई, बट मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की वजह से जावा कंपनी ने अपने 2 और मॉडल रिलॉन्च करने की सोची, जिस पर तैयारी चल रही है और फिलहाल बाइक्स पर टेस्टिंग चल रही है। सुना यह है कि इस ईयर के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में जावा अपने दोनों मॉडल रिलॉन्च करने वाली है। नंबर 1 रोड किंग स्क्रैम्बलर, नंबर 2 यजदी 300। जो रोड किंग स्क्रैम्बलर जो बाइक है वो इंडिया की फर्स्ट बाइक होगी जो ऑफ रोडिंग के लिए बनाई जा रही है। तो मैं आपको इन बाइक्स के प्राइस बताता चलूं। नंबर 1 रोड किंग के एक्सपेक्टेड जो प्राइस हैं वो 1,60,000 हैं दोस्तों। नंबर 2 यजदी 300 के एक्सपेक्टेड जो प्राइस हैं वो 1,05,000 हैं। इसमें जो प्राइस हैं वो ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकते हैं, बस ये एक्सपेक्टेड प्राइस हैं, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। सो फ्रेंड, बहुत जल्दी ये मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। जो जावा लवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इनके फुल स्पेसिफिकेशन पर आएगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द न्यू वीडियो लाता रहूँ। तो आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी, जब तक के लिए